क्या फोटो आई है? इतनी मजबूत बनावट है इस किले की यारी। आप लोग एक बढ़िया फोटो ले लो इसकी। चलो साइंटिस्ट वायरस के चावल में घुस के मोटू को उल्लू बनाते हैं। चलो बात करो। ये ऊंट कुछ अलग दिख रहा है। चलो फोटो ले लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन बोला? मैं बोला सर, आज जरा मुझे पानी पिला देंगे? अरे कैमल कैसे बोल सकता है, ऊंट कैसे बोल सकता है? सही, किसी को नहीं पता है, मैं बोल सकता हूँ। देखिए मेरे माथे पे जो ये दो बाल है ना, ये सिर्फ बोलने वाले कैमल के माथे में ही होता है, बाकी कैमल्स के नहीं होता है। आप मुझे पानी पिला दीजिए प्लीज। ले लीजिए। थैंक यू। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मुझे पानी पिलाया, मैं इनाम के तौर पे आपको इस जैसलमेर फोर्ट में कड़ा हुआ खजाना देना चाहता हूँ। खजाना कहाँ है? बताइए ना। पहली बात, किसी को बोलो नहीं। दूसरी बात, तुम्हें एक पुण्य का काम करना होगा। अच्छा, अब बोल दीजिए ना, क्या पुण्य का काम करना है, बोलिए ना। वो जो दूर कैमल बैठे हैं ना, उनको कुछ लोग पकड़कर बेचने वाले हैं। उनको उन आदमियों से बचाकर मेरे पास ले आइए, मैं उनको अपनी पावर से प्रोटेक्शन दूंगा। ऐसा क्या? अब भी लाता हूँ। अरे मोटो उधर क्यों जा रहा है? चलो चल के देखते हैं। अरे चलो चलो जल्दी उधर चलो, यहाँ कुछ लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। उधर वो कैमल तुम्हें बचा लेगा, चलो। अरे मोटो तुम क्या कर रहे हो? अरे पतलू इनको बचा रहा हूँ, इन्हें पुश करके उस तरफ ले चलो। चलो, अरे चलो ना, चलो जल्दी चलो। अरे नहीं, चलो। चलो, ये तैयार हो गया चलने के लिए। ठीक है, उनको अपना प्रोटेक्शन नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं? आप भी तो उनकी रक्षा करना चाहते थे, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अच्छा चलो, मैं आपको खजाना दे ही देता हूँ। वो जो लेडी जा रही है, उसके बैग में खजाने का नक्शा है, वो यहाँ मेरे पास से चुरा कर ले गई है। वो बैग ले आओ, लेकिन जल्दी, टाइम कम है। ठीक है। अरे मोटू किधर गया? मोटू, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आपका पर्स लाकर लौटा देता हूँ। अरे छोड़ो मेरा बैग। अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ो मेरा बैग। अरे क्या हो रहा है? पकड़ो। अरे भैया छोड़ो उसे, हम सब उसके दोस्त हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? पूरी गैंग है ये, मारो इन्हें भी। चलो शुक्रिया बबुल वाली, ये हम सब कहा। अरे इसमें तो
खजाने का नक्शा है ही नहीं। फिर बोलने वाले कैमल ने क्यों कहा कि बैग में नक्शा है? अरे वो तो ये बोलने वाला कैमल खजाने का नक्शा है, ये सब चक्कर क्या है? अरे भैया मैं बता नहीं सकता, सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, हम तुम्हारी भावनाओं की रेस्पेक्ट करते हैं। अरे हम तुम्हारी भावनाओं की इज्जत करते हुए ही तुमसे पूछेंगे। और वो रहा बोलने वाला कैमल। तो वो है बोलने वाला कैमल, आओ देखते हैं वो और क्या क्या बोलता है। मोटो तुम जाओ देखो चक्कर क्या है। अरे कैमल भैया आप डांस कर रहे हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ तुम नक्शा ले आए। नहीं उसमें नक्शा था ही नहीं, पर उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा रे। क्या बात कर रहे हो, मैं तो खुश था कि तुम नक्शा ले आए। हाँ मार पिटाई तो करेंगे ही, उनका पर्स लेकर भागे थे ना तुम। अच्छा एक काम करो, जो पेड़ के ऊपर लंगूर है उनके हाथ में एक बॉक्स है उसे ले आओ, नक्शा उसके अंदर है। उड़ी बाबा। डॉक्टर झटका कुछ तो गड़बड़ है, ये कैमल से क्या बात कर रहा है देखो तो। यार तुम भी देख लो। अरे मुझे तो पहले से ही शक था कि दाई में कुछ काला है। एक्सक्यूज मी लंगूर जी, क्या आप मुझे ये बॉक्स देंगे? मैं इसे खोल देता हूँ। चलो जॉन को चल के मजा चखाते हैं। ये लो तुम्हारा बॉक्स। पतलू कहाँ है बंदर? कैमल के पेट के अंदर। ये लो चश्मा और देखो। अरे अंदर तो जॉन है। तो फिर क्या जॉन ही बोल बोल के मुझे उल्लू बना रहा था? हाँ मोटू हाँ, जॉन तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अभी बताता हूँ जॉन को, मुझे उल्लू बनाया जॉन। एक्सक्यूज मी मंकी, अभी मेरा नंबर है, तुम लोग हटो बाहर आओ। नहीं निकलूंगा। मोटू अभी तुम्हें और खजाने की तलाश करनी है या फिर घूमने चले? अरे नहीं नहीं घूमने चलते हैं भैया, लेकिन पहले कहीं चल के गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। बाबा आज तो हावड़ा ब्रिज में बहुत सारी फोटो खींचूंगा,
मोटू इतना स्लो क्यों चला रहे हो, गाड़ी तेज चलाओ। हाँ घसीदा राम चलो। बॉस, हमारा नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। खराब मौसम में बिजली नेविगेशन स्टोन पर गिरने की वजह से वो नीचे गिर गया है। बिना नेविगेशन स्टोन के हम अपने प्लेनेट कभी नहीं पहुंच पाएंगे और हम लोग नीचे भी नहीं उतर सकते। हम लोग यहाँ ऊपर से स्कैन करके देखते हैं कि स्टोन कहाँ गिरा है। लेकिन स्टोन तो ब्रिज के नीचे गिरा है। तो फिर हमें ब्रिज को हटाना होगा। चलो ब्रिज यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। ब्रिज का ट्रैफिक खत्म होने दो, बाद में ये करना। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, नहीं तो हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। बॉस ट्रैफिक रुक चुका है। यस इनिशिएट शिफ्टिंग प्रोसेस। ये क्या हो रहा है? ये ब्रिज कहाँ गया? अरे ब्रिज गायब हो गया। अरे ब्रिज किधर गया? जल्दी से यूएफओ को इनविजिबल कर दो ताकि कोई देख ना पाए। ओए मेरी पैमरी यार, ब्रिज तो सच में गायब हो गया। उड़ी बाबा ब्रिज कहीं नहीं गया है, किसी ने ब्रिज पर रेस फेंक कर ब्रिज को गायब कर दिया होगा। हाँ हाँ घसीटा राम, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ ऐसा सच में हो सकता है? अरे हाँ हाँ हाँ, हम लोग यहाँ से दूसरे छोर तक दौड़ कर जाएंगे और जब आप लोगों को यकीन हो जाए कि ब्रिज है तो आप लोग भी हमारे पीछे चले आना। On your marks, ready, steady, get set, go! हम भी आएगा। अरे हम दौड़ते हैं क्या? चलो दोस्तों। अरे मोटू रुको तो, नीचे हाथ लगा के देखो कि रोड टच हो रही है क्या। पतलू रोड टच नहीं हो रहा है। स्कैनिंग करते रहो करते रहो। अरे ये क्या हुआ? वाह आज तो बहुत ही अच्छी फिशिंग हुई है। अब ये कौन गिरा? अरे कौन हो तुम? तुम्हारी वजह से पकड़ी हुई मछलियाँ पानी में गिर गई। अभी बताता हूँ तुम लोगों को। अरे जल्दी से मछलियाँ बकेट में रखो। अरे सब पहले जैसे था वैसे ही रखो। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। देखो वहाँ ब्रिज गायब हो गया तो हम क्या करें? ये कहानी और किस्से बताने के लिए तुमको मैं मिला था। क्यों बाबू क्या हुआ? ब्रिज सच में गायब हो गया क्या? उड़ी बाबा ब्रिज तो पक्का गायब हो गया, लेकिन उसके नीचे में कुछ था जिससे हम लोग टकरा कर नीचे गिरे। पता करना पड़ेगा कि वो क्या था। ओ मेरे भाइयों मेरी यारी रुको मैं पता करता हूँ। एक मिनट यारी। ओ मेरे पायो मेरे यार, हमें वहाँ जाना होगा यार। चलो
अगर सच में वहाँ एलियंस है और उन्होंने हमें देख लिया तो ओए मेरे भाई मेरे यारो एक काम करते हैं, मैं हम सभी को इनविजिबल कर देता हूँ और फिर हम यूएफओ को ढूंढ के उसके अंदर चलते हैं। देखो ये हो गया काम, चलो यारी। बुड़ी बाबा ये कहाँ गायब हो गए? अंदर चलो। एलियंस कौन है? कोई नहीं है। लगता है इनविजिबल स्प्रे का असर खत्म हो गया है यारी। आप ऐसा आधा अधूरा काम क्यों करते हो? अब क्या होगा? मेरी तरफ देख रहे हैं लेकिन मैं इन्हें नहीं दिख रहा हूँ। हम तुम्हें देख सकते हैं। अरे तुम लोग अंदर कैसे आ गए? स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर अटैक अटैक अटैक। नहीं नहीं वही अरे हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त हैं। आप लोग हमें ये बताइए प्लीज कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने ब्रिज भी गायब कर दिया। हम लोगों के यूएफओ का नेविगेशनल स्टोन नीचे पानी में गिर गया, उसे ढूंढने के लिए हमें ब्रिज गायब करना पड़ा ताकि हम उसे ढूंढ पाए और यहाँ से निकल जाए। हम आपको स्टोन ढूंढ कर ला कर देंगे लेकिन ब्रिज को वापस अपनी जगह पर ले आओ प्लीज। अरे अरे आप चिंता मत कीजिए, ब्रिज अपनी जगह वापस आ जाएगा, बस हमारा वो स्टोन हमें ढूंढ कर दो। अरे हमने तो सुना था कि एलियंस बहुत एडवांस होते हैं लेकिन आप तो स्टोन लगा के स्पेसशिप चला रहे हो। सॉरी सॉरी, लेकिन आपका स्टोन दिखता कैसे है? ऐसा दिखता है। अरे ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। कहाँ देखा हुआ लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। कहाँ कहाँ कहाँ? अरे नहीं वहाँ नहीं। ओके कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? हाँ अब याद आया। चलो वही देखा था। चलो आप कौन आ गया? तुम? तुम? अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सॉरी बड़े भैया हमें थोड़ा काम है, तब तक आप आराम कीजिए। चलो जल्दी। अरे मोटो किधर है स्टोन? वहाँ। क्या? ये क्या है? सॉरी कट दिया यार। हम भी यहाँ से स्कैन करते हैं। ओके। मोटू जी हाँ वही उसी फिश में है। हाँ यही है हमारा नेविगेशन स्टोन। आप सभी को थैंक यू, अब हम चलते हैं। बाय। ओके बाय बाय। अरे बाय बाय क्या कर रहे हो, पहले ब्रिज को लाओ और फिर जाओ। सॉरी सॉरी अभी ठीक कर देते हैं। हे
पहले कोई होटल दिखा दो, हम अपना सामान तो रख दे, फिर घूमने चलते हैं। अजी सर, आप वो चांदनी चौक का मजा लो पहले। धंधा खरी बात कहता है, आपको होटल नहीं मैं प्राइवेट बंगलो दूंगा। वो देखो आ गया। उड़ी बाबा, इस बंगलो का किराया ज्यादा तो नहीं होगा? खन्ना प्रॉपर्टी डीलर के रहते आपको कहीं भी ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। डोंट वरी सर, इसका किराया है 5,000 पर नाइट, खाना पीना फ्री में। अरे अपने कमीशन के चक्कर में लोगों को क्यों फंसाते रहते हो? अरे भाई साहब वहाँ मत जाना, वहाँ भूत रहते हैं, भूत। भूत से कौन डरता है? The name is Jingama. Inspector Jingama. I will arrest him. Mama. Yellow. Go. Hit the Buddha. Okay, Jingama. Aye, aye, Buddha. Aye, Buddha. Aye, हमें फिर से बिना काम के नहीं से जगाया। अरे तुम लोग तो जादूगर हो, नारियल बरसाते हो ऊपर से। तुम लोगों को भूत से क्या डर? अब आप लोग मेरा एडवांस दे दीजिए। एडवांस? अरे हम तो यहाँ सिर्फ दो ही दिन रहने वाले हैं। अरे दो दिन के बाद एक साथ पूरा पैसा ले लेना। क्या पता दो दिन बाद आप मिलो ना मिलो। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब भूत हमें खत्म कर देगा? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। खन्ना खरी बात कहता है बुरा नहीं मानना। अगर आप बिना बताए चुपचाप चले गए तो मैं पैसे किससे मांगूंगा? ओके, ऐसा बोले तो ठीक है, ये लीजिए एडवांस। अच्छी, थैंक यू। अरे ये तो भूत पकड़ने वाले दिखते हैं। देखो कैसे नारियल्स को भेजा था हमें पकड़वाने के लिए। अच्छा हुआ हम छुप गए थे, वरना पकड़े जाते। इनसे बच के रहना होगा और जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से भगाना होगा। अरे कितनी बड़ी हवेली है ये। जय हो, अब तो बड़ा मजा आएगा। Wow! Beautiful! Ah, kya baat hai! Ye chamse ka chak! Wah, ye kya hai? Wah, kya bas putla hai? Are, are wahan hai? Meri nahi dikh rahe hai! यानी कि यहाँ सचमुच कोई भूत है। ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं? चलो अब किसी को भूख है तो खाने का बंदोबस्त करते हैं। मुझे तो भैया भूख नहीं है। हमें भूख नहीं है। ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट अम्मा। अरे वाह, समोसे। सॉरी अंकल, मेरे साथ खेलोगे? देखिए ना, पापा मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं। अरे भैया तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ के कुक हैं। कभी कभी लोग भूत की खबर उड़ा देते हैं तो हम यहाँ से भाग जाते हैं, फिर काम धंधा नहीं मिलता तो लौट आते हैं। आप खेलो, मैं खाना बनाता हूँ। अरे माँ कितना अच्छा लग रहा है।
उड़ी बाबा और पीछे क्या हो गया? ये! मारो 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 जल्दी जल्दी बॉल पास करो, मारो मारो ये जल्दी 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 बॉल पास करो। उड़ी बाबा ओ तुम किसके साथ खेल रहे हो? अरे इस बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, देख नहीं रहा है क्या? अरे माँ मोटू मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। ओए मोटू मेरे पैर मेरी यार वहाँ कोई नहीं दिख रहा है। तो ठीक है फिर नीचे आ जाओ मैं दिखाता हूँ। आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ अभी दिखाता हूँ। ये बच्चा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अरे कल तुम कह रहे थे कि स्टैचू नहीं दिख रही है। और अब कह रहे हो कि बच्चा नहीं दिख रहा है। बार बार तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। अरे मोटू तुम अकेले ही खेल रहे थे, मैंने भी कोई बच्चा नहीं देखा। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इसका मतलब मैं भूत के साथ खेल रहा था। उड़ी बाबा हमें किसने मारा? इसका मतलब यह भूत है। भूत पढ़ोगे? यहाँ भी है क्या? नहीं ये क्या हो रहा है? भूत हमने कुछ नहीं किया। ओके ओके हम सामने आते हैं पर हमें पकड़ोगे तो नहीं ना? अरे हम तुम्हें क्यों पकड़ेंगे, लेकिन तुम हमें मारोगे तो नहीं क्योंकि तुम लोग भूत हो। भूत तुम लोग भी तो जादूगर हो, हमने देखा था जब आपने नारियल गिराए थे। अरे हम लोग कोई जादूगर वादूगर नहीं है, लेकिन आप लोग सही के भूत हो है ना? हाँ हम सच में भूत हैं। अरे 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 डरिए मत, हम आपको तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। अच्छा अच्छा नहीं डरेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? हम लोग यहाँ अटक गए हैं, अपनी दुनिया में जा नहीं पा रहे हैं। पर ऐसा क्यों? कोई अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाना चाहेगा तो ही हम बच सकते हैं। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाऊंगा। वादा करते हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर आपको आपकी अपनी दुनिया में वापस भेज के रहूँगा। दूसरों की सहायता करना हमारा फर्ज है। अरे मोटो मोटो पहले सुन तो लो कि करना क्या है। नहीं पतलो नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तो मैंने जुबान दे दी है। ठीक है आप लोग साइड में हो जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? अब तुम इसमें कूद जाओ, अगर तुम कूद गए तो ही हम यहाँ से जा सकते हैं। इसमें कूदना पड़ेगा। उड़ी बाबा मोटू हमने 20 साल का तजुर्बा, मैं ऐसा भूत नहीं देखा जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे के जान खतरे में डाल रहा है। मोटू मत कूदना। नहीं घसीटा राम, मैंने वादा किया है और मैं वादा नहीं तोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पतलू मेरे दोस्त, अच्छा चलता हूँ। मोटू रुक जाओ मोटू। Yeah.
ये तो सिर्फ मोडू की एग्जाम थी। हम खुद को बचाने के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकते। मोटू तुम ठीक हो? जब तक कोई अपनी जान हमारे लिए खतरे में नहीं डालेगा हम यहाँ से नहीं जा सकते थे। थैंक यू मोटू। थैंक यू मोटू अंकल। थैंक यू। हमारे जाने का टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच मोटू जी, आपने हमारी बहुत मदद की। आप लोग सही में बहुत अच्छे इंसान हो। बाय बाय। बाय बाय बाय। वो देखो कितनी अनोखी वेइंग मशीन है। मैं अभी इस पर वेट चेक करती हूँ। 57 kgs। आपका दिन बहुत शुभ है। रोड क्रॉस करते समय दाएं बाएं देखकर क्रॉस कीजिएगा। Have a nice day. वो देखो वेट मशीन। This is so nice. कितना अच्छा लग रहा है कि वेइंग मशीन सब कुछ बोल के बता रही है। Thank you very much. You are welcome. मैं भी जाकर ट्राई करता हूँ। अच्छा तो मोटू लोग भी आए हैं। रुको अभी मजा चखाता हूँ। कृपया एक एक करके चढ़िए। कृपया एक एक करके चढ़िए। अरे मेरे साथ तो कोई नहीं चढ़ा, मैं अकेला ही तो हूँ। अपने पेट में जो 8-10 लोगों को छुपा रखा है उसका क्या? मजाक उड़ा रहे हैं मोटू का। ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सुनते हो जी, इन्होंने मुझे मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे ये क्या हो रहा है? अभी बताता हूँ क्या हो रहा है। छोड़ना मत इन लोगों को। Stop! Stop in the name of Tingama! Stop! अच्छा हुआ मशीन चली गई, लेकिन बड़ी भूख लग गई है। चलो चल के कुछ खाते हैं। भाई साहब सबके लिए मस्त चाट बनाओ। अरे कौन है? अरे आपको तो हमने चाट खिलाई ही नहीं, फिर ये मुंह पर चटनी कहाँ से लगा ली है? अरे ये चटनी नहीं है। तो फिर क्या है ये? बहुत मारा उसने। मुझे पीछे से खींच कर ले गया और मेरी बहुत पिटाई की उसने। अरे भूत किसने मारा तुमको? यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। किसकी हिम्मत है कि हमारे बीच से तुमको ले जाकर मारे? चलो आओ चाट खाओ। आने दो उसे, देख लेंगे। आमने अरे भैया भी चटनी लगवा कर आ गए। बुड़ी बाबा, आप
को पता चल गया है कि ये चाटनी नहीं है। बहुत मारा हमको, हमारे 20 साल के तजुर्बा में हम पहली बार इतना मार खाया। साइड में ले जाकर पीटने की क्या जरूरत है, हिम्मत भाई तो सामने आकर मार के दिखाओ। पीट दो अम्मा। अब भागो। पीछे देखो। कौन है पीछे? अच्छा आइडिया है, मैंने ये सोचा ही नहीं सामने आकर मारने का। अभी बताता हूँ। आज तो बच गए, अच्छा है कि रोबोट को उड़ना नहीं आता है। वैसे भी ऊपर हवा में पीटने का मजा ही कुछ और है। अरे ये तो उड़ता भी है, इधर भी आ गया। बुट को पीट दिया। सॉरी गलती हो गई, आपके साथी मशीन को बोलो कि हमें छोड़ दे। हम कभी आपके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, गलती से हाथ लग गया था वो भी कभी नहीं लगेगा। तो फिर जाओ और अपने पुरपुरी नगर में जाकर छुप जाओ, इधर कभी आना नहीं। और अपने पुरपुरी नगर में जाकर छुप जाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि लेडी मशीन ने ऐसा क्यों कहा कि अपने फुरपुरी नगर में चले जाओ। उसे कैसे पता चला कि हम फुरपुरी नगर के हैं? जरूर दाल में कुछ काला है, देखना पड़ेगा। बात क्या है? अरे अरे ये तो खोपड़ी के रोबोट मशीन से है, वही ये सब कुछ करवा रहा है। उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो ना। अरे मोटू सोचना क्या है? अरे मेरे पैसे। ये लो। थैंक यू। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। उड़ा दूंगा खोपड़ी की खोपड़ी। ये कौन बोला? हमें तुम्हारा सारा गेम समझ में आ गया। अरे ठीक है भाई, अब समझ में आ गया तो मैं क्या करूं? अरे रोबटवा जरा इनका हुलिया ठीक करो रे। भागने में ही भलाई है। अब तुम्हारी बारी। अरे इसने बिना प्लेन के हवा में उड़ा दिया
गुंडे सारा चौवा भाग गए। इनको लेकर जाओ, इन्होंने हमारी रोबोट से खूब पिटाई करवाई है। ले जाओ। चलो अब तुम्हारे साथ रोबोट को भी मैं जेल में रखूंगा और उससे ही तुम्हारी पिटाई करवाऊंगा जेल के अंदर। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।